वाराणसी में दिव्यांग कल्याण पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में विगत 22 वर्ष से कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रंगों के त्यौहार होली के उपलक्ष्य में आओ बांटे खुशियां कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी के हुकुलगंज कार्यालय के प्रांगण में किया गया। दिव्यांगजनों और उपस्थित गणमान्य लोगों को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए आयकर उपायुक्त अरविंद भटनागर ने कहा कि दिव्यांगजन और जरूरतमंदों की सच्ची सेवा के माध्यम से उनके चेहरे पर खुशी लाने से बढ़कर मानवता की अन्य कोई सेवा नहीं हो सकती और इस कार्य से बड़ा पुण्य का कोई और काम नहीं हो सकता। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। कई वर्षों से चलने वाला कार्यक्रम आओ बांटे खुशियाँ जो संजीवनी सोसाइटी का मोटिव है कि जैसे भी लोग जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सोसाइटी में उनके साथ हर पर्व का जीवन के हर क्षण का खुशी बांटने का उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम लोग करते हैं। आज क्या किया गया सर यहाँ पे? बच्चों के साथ अबीर गुलाल रंग ठंडई उनके गाने सुने गए उनको सुनाया गया उनके साथ उनको हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया है। यह उद्देश्य था ऐसे लोगों को इनको बुलाने का इनके बीच जो ये बच्चे हमेशा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष की भांति चाहे होली हो दीपावली हो चाहे मकर संक्रांति हो हर साल ये सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं और अनवरत जो दूसरे कार्य हैं कि कैसे इनका जीवन बदलाव हो जीवन में कैसे बदलाव आए वो भी कार्य हम लगातार कर रहे हैं। सर देखा गया इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे खुद परफॉर्मेंस कर रहे थे। हाँ तो सर ये कैसे तैयारी कराते हैं? हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो कि समाज के सामने समझ बुझ करके लाने की जरूरत है। आज ये आयोजन पूर्व वर्षों के बाद संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी का दिव्यांग कल्याण के लिए जो काम कर रही है उसके तहत किया गया है। चूँकि होली हमारे बनारस का विशेष पर्व है विशेष महत्व है विशेष इस तरह से मनाए जाने का है तो हर वर्ष हम लोग हमारे सोसाइटी का मोटो जो है वो है आओ बांटे खुशियाँ और उसके तहत किस प्रकार इनके चेहरे पर मुस्कान आ सकता है ये कैसे अपने आप को भावना से बाहर ले आ सकते हैं जो अशक्तता है उस अशक्तता के बाहर कैसे आ सकते हैं वो खुशी लानी है इसके लिए सोसाइटी प्रयास कर रही है और विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी यह आयोजन किया गया है। कुल कितने दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में? आज इस कार्यक्रम में लगभग 35-40 बच्चों ने भाग लिया है उनके परिजन भी रहे हैं उनके संरक्षक भी रहे हैं अभिभावक भी रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अरविंद भटनागर जी जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं इन सब का शुभो थे हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में गेल इंडिया लिमिटेड के उप महाप्रबंधक आदरणीय एन के द्विवेदी साहब थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता।